अगला है हट काली का मंदिर। ये उत्तराखंड का सबसे पवित्र काली मंदिर माना जाता है, समझिएगा। और ये क्या है, अपने रहस्यमय स्थिति के कारण ज्यादा फेमस है, इसे रहस्यमय मंदिर भी कहा जाता है। क्योंकि मानते हैं कि यहाँ पे कोई बिस्तर वगैरह अगर रख देते हैं तो लगता है कि कोई उसमें विश्राम वगैरह किया, रात को सोए वगैरह है, तो इसको मानते हैं, तो इसको रहस्यमय मंदिर कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना हो कि वृंदावन में जैसे क्या होता है, कृष्ण रात को वहाँ पे आते हैं और विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे मानते हैं कि देवी है, रात को यहाँ पे विश्राम करने के लिए आती है, इसलिए इसको रहस्यमय मंदिर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रहस्यमय मंदिर के लिए क्या है, ये फेमस है। उसके बाद पाताल भुवनेश्वर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है, या गुफा भी है मंदिर भी है, ध्यान, पाताल भुवनेश्वर क्या है, गुफा भी है और मंदिर भी है, ये दोनों कहाँ है, पिथौरागढ़ में। देखिए यहाँ पे माना जाता है जो 35 करोड़ जो देवी देवता है वहां यहाँ पे निवास करते हैं। मानते हैं कि जो हिंदू धर्म में 35 करोड़ देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। इस स्तर मानते हैं, देखिए मेल होता है, करोड़ नहीं होता है, कोटि होता है, ऋग्वेद को अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो कोटि होता है, कोटि मतलब स्तर होता है, लेकिन बहुत से इसमें करोड़ लिखा रहता है, तो अलग बात है। इसके लिए क्या होता है, यह क्या है, ये मंदिर भी है और गुफा भी, दोनों है। पाताल होता है मेल है, गंगोली हाट में स्थित है, कहाँ पे है, गंगोली घाट के पास ये स्थित है। ध्यान दीजिएगा, अस्कोट आपको बता था जो कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, जो अस्कोट वन्य जीव बिहार, ये भी है, किसके लिए है, कस्तूरी मृग, ये भी कहाँ पे आपका, पिथौरागढ़ में। दूसरा है देवल समेत मंदिर, देखिए ये जो मंदिर है ये यहाँ पे चैत्र महीने में क्या होता है, मतलब मेला होता है, यहाँ पे क्या है, चैत्र महीने में मेला होता है। इस मंदिर का एक दूसरा नाम भी है, जो ये पूजा अर्चना जब किया था, इसको तेतोल कहा जाता है। इसे तेतोल भी कहा जाता है। दूसरा है एक बहुत ही प्रकट समूह गांव में पूछा गया सवाल है, जयंती मंदिर, या इस मंदिर को एक दूसरा नाम भी है, उस नाम से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वो है ध्वज मंदिर। ये ध्वज मंदिर के नाम से इसको पूछा गया था, जो कहाँ पे है, आपके पिथौरागढ़ में। क्योंकि जो जयंती मंदिर है ये पिथौरागढ़ में जो दीघाट वाला मार्ग है उसी पे स्थित है। ध्वज मंदिर या आपका जयंती मंदिर कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। उसके बाद बेरीनाग,
ये भी क्या है, पितृघर में है। मेरी नाक क्या है, यह पितृघर में है। और इससे मालूम चलता है कि उत्तराखंड के इस क्षेत्र में नाग वंश का भी शासन रहा, तो नाग वंश के शासन का भी यहाँ पे प्रमाण यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर बहुत ही फेमस है। तो ये क्या है, मेन मेन क्या है आपके पर्यटन स्थल है आपका पिथौरागढ़ का, इतना आप लोग याद कीजिएगा। अगला है बागेश्वर। बागेश्वर कब बना है आप लोग जानते, 3 जिला एक साथ बना था, उसी में बागेश्वर भी था। देखिए बागेश्वर का नाम क्यों फेमस है पहले समझ लीजिएगा। जब शिव जी बनारस से यहाँ आए थे तो क्या है, बाघ के रूप में यहाँ पे विचरण कर रहे थे। तो जब लोगों ने बाघ के रूप में शिव जी को यहाँ पे दर्शन पाए होंगे, तभी उसको शिव जी को एक नया नाम पड़ा जिसको बागेश्वर कहते हैं, और बागेश्वर से बागेश्वर बन गया, बागेश्वर से क्या बन गया, बागेश्वर बन गया। ठीक है, तो बागेश्वर को एक और नाम है, इसलिए इसको उत्तर का काशी कहा जाता है, उत्तर का काशी नहीं वाराणसी कहा जाता है। काशी उत्तर का काशी आपको बताया था, दूसरा है एक उत्तर का काशी है, एक उत्तर की काशी है जो भुवनेश्वर, और क्या है एक उत्तर काशी, दोनों आपको बताया था। इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, और यहाँ पे शिव जी बाघ के रूप में विचरण करते थे, इसलिए ये क्या है फेमस है। तो बागेश्वर शहर है यह क्या है, सरयू प्लस गोमती नदी के संगम पे है, नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा शहर, बागेश्वर शहर। और आपको पता है कि बागेश्वर में सबसे ज्यादा क्या है, कम नगरीकरण है। बागेश्वर में अधिकतर क्षेत्र क्या है, गांव क्षेत्र बहुत ज्यादा है। अब बागेश्वर में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोशानी, कोशानी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पर्यटन के दृष्टि से। देखिए कोशानी क्यों फेमस है, पहले तो इम्पोर्टेंट था। देखिए यहाँ पे एक मुनि थे, कौशिक मुनि, उनका तप स्थल है। किसका, कौशिक मुनि का तप स्थल, तपस्या किया था इसके नाम पे, इसको नाम कौशानी पड़ा। तो कौन से, कौशिक मुनि के नाम पे पड़ा कौशानी। सबसे इम्पोर्टेंट है गांधी जी यहाँ पे आए थे, कब आए थे, 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे और 14 दिन तक रहा यहाँ पे। कितने दिन रहा ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी कितने दिन तक रहे, और यहाँ पे गांधी जी ने एक गीता का अनुवाद किया था जिसे अनाशक्ति योग कहा जाता है। गीता का अनुवाद अनासक्ति योग का अनुवाद अनासक्ति योग ने किया था, और इसी स्थान को गांधी जी ने क्या कहा था, इसी स्थान को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कोशानी को क्या कहा था गांधी जी ने, भारत का स्विट्जरलैंड लिखना। और गांधी जी ने इसका उल्लेख किस पुस्तक में या पत्रिका में किया था, तो गांधी जी ने एक पत्रिका निकाला था जिसको यंग इंडिया कहते थे, उस यंग इंडिया में इसको भारत का स्विट्जरलैंड।
भारत का स्विट्जरलैंड किस पत्रिका में उन्होंने उल्लेख किया था? यंग इंडिया में किसने गांधी जी ने। यहाँ पर जो सरला बहन ने आश्रम बनाया था, लक्ष्मी आश्रम, सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम बनाया था कहाँ पे? कौशानी। कौशानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो बागेश्वर का जो ऑर्गेनिक चाय है वो इसी क्षेत्र में ज्यादा उगाया जाता है, एक क्वेश्चन बना था। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक चाय है यहाँ पे उगाया जाता है। और इन चायों का जापान, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चीन, यूरोप को क्या कहते हैं, निर्यात किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, जापान वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऑर्गेनिक चाय का निर्यात किन देश को करते हैं, तो आपका क्या है, जापान वगैरह को किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यही पे क्या है, तो सुमित्र नंदन पंत जी है, जन्म स्थल सुमित्र नंदन पंत जी का क्या है, यहाँ पे जन्म स्थल दिया है। ठीक है, सुमित्र नंदन पंत आपको बताया था कि इन्हीं के नाम पे क्या ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया था, और इनको चितंबरा के लिए क्या है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन्हें क्या है, इनके जो रचना है उनका नाम क्या है, चितंबरा के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञान पीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो चिदम्बरा के लिए इनको, और इन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है, इनको आपको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है आपके, बागेश्वर में। दूसरा है बागनाथ मंदिर, ये भी बागेश्वर में है। बोलो ना कि यहाँ पे शिव जी बाघ के रूप में हो, तो यहाँ पे बागेश्वर मंदिर है, तो बागेश्वर हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर है, जहां से पिंडर नदी निकलती है, पिंडर ग्लेशियर भी क्या है, बागेश्वर में। धन्यवाद। उसके बाद पांडु स्थल है, जो पांडु स्थल है ये क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल जो सीमा है उसके नजदीक स्थित है। और माना जाता है कि जो अज्ञातवास हुआ था पांडव लोगों का, उस समय इस स्थान पे ये क्या है, निवास किया था। और यहाँ पे क्या होता है, कृष्ण जन्माष्टमी में मेला लगता है, तो ये पांडु स्थल में क्या है, पांडव कृष्ण अज्ञातवास के समय निवास किया था, तो वो पांडु स्थल उसको माना जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पर्यटन स्थल के रूप में लोग जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है आपके, एक और स्थान है जो मंदिरों के लिए बहुत फेमस है, वो है बैजनाथ। बैजनाथ मंदिर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो देखिए बैजनाथ जो मंदिर है ये क्या है, नाथ समझ लीजिए शिव जी का मंदिर है, अधिकतर मंदिर क्या है, शिव जी है। इसे कत्यूरी शासकों ने को बनवाया था, और जो बैजनाथ है ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। चलिए कत्यूरी
राजाओं की राजधानी। बैजनाथ, और बैजनाथ मंदिर भी है, और बैजनाथ क्या है, जगह का नाम भी है। बैजनाथ क्या है, मंदिर भी है, मंदिर मतलब ये शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे क्या है, जो कत्तूरी राजाओं का क्या है, राजधानी रह चुका है, यानी कैपिटल उनमें रह चुका है। ठीक है, तो ये है आपके बागेश्वर के जो मेन मेन पर्यटन स्थल है वो आपको बता दिया। तो बागेश्वर ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, तो इसमें ज्यादा मंदिर और पर्यटन स्थल ज्यादा नहीं है, मेनली कोशानी के लिए फेमस है। ठीक है, तो कोशानी के लिए क्या है, बागेश्वर ज्यादा जाना जाता है। तो देखिए ये इस तरह से क्या है, आपके जितने भी 13 जिला है उनके जितने भी पर्यटक स्थल है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोगों के कोई नया क्वेश्चन है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, पढ़ाई पढ़ाई कीजिएगा, जहाँ पे दिक्कत हो तो उसको पूछिए। तो इतना कर लेंगे तो बहुत ज्यादा है, आप लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन जो समूह गवाह की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम है, उनको और थोड़ा सा गहराई से पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए क्या है, पर्याप्त है ये। आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग। अभी एक नया एक टॉपिक आपका और रह गया है, जो उत्तराखंड की जो संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको बताना है, तो मैं सोचता हूँ कल खत्म हो जाएगा वो भी। उत्तराखंड की जो संस्थान है या इंस्टीट्यूशन है, तो जैसे शैक्षिक इंस्टीट्यूशन है, औद्योगिक है, तो इन सब के बारे में एक क्लास ले लेंगे, या जैसे सांस्कृतिक है इनके बारे में एक क्लास इसमें हो जाएगा, तो फिर आपका खत्म हो जाएगा उत्तराखंड की। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर है तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो फिर कल आप लोगों से चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग को कल फिर वो संस्थान वाला जो है वो कल क्लास करवा देंगे, एक क्लास वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़िएगा, जहाँ पे दिक्कत आ रहा है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट आप लोगों का। थैंक यू।